क्रिया है वो न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए पहले एनबीडब्ल्यू चल रहा था, अब 82 की कार्रवाई हुई है। और इनका मामला ये था कि 171 एच आई पी सी और 127 ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 19 से बात चल रहा था और न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए न्यायालय की समान प्रक्रिया ये हर में जो अभियुक्त हाजिर नहीं होता है न्यायालय में कार्रवाई यही हुई है। 82 में ये फरार माना जाता है जो सांसद आप जिनका नाम देंगे न्यायालय में हाजिर हो जाए। हाँ उनके घर के आसपास ये इसमें सभी आता है न्यायालय में और कचहरी के बाहर ये सब जज्बा किया जाए न्यायालय में। तो न्यायालय ने जी सर वाल पेंटिंग चुनाव संबंधी वाल पेंटिंग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रचारित की गई थी। एनबीडब्ल्यू चल ही रहा था उनके खिलाफ, अब 82 कार्रवाई ये न्यायालय की समान प्रक्रिया। क्रिया है वो न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए पहले एनबीडब्ल्यू चल रहा था, अब 82 की कार्रवाई हुई है। और इनका मामला ये था कि 171 एच आई पी सी और 127 ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 19 से बात चल रहा था और न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए न्यायालय की समान प्रक्रिया ये हर में जो अभियुक्त हाजिर नहीं होता है न्यायालय में कार्रवाई यही हुई है। 82 में ये फरार माना जाता है जो सांसद आप जिनका नाम ले रहे हैं न्यायालय में हाजिर हो जाए। हाँ उनके घर के आसपास ये इसमें सभी आता है न्यायालय में और कचहरी के बाहर ये सब जज्बा किया जाए न्यायालय में। तो न्यायालय ने जी सर वाल पेंटिंग चुनाव संबंधी वाल पेंटिंग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रचारित की गई थी। एनबीडब्ल्यू चल ही रहा था उनके खिलाफ, अब 82 कार्रवाई हुई बस ये न्यायालय की समान प्रक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।